चल दीदी ताके चल, वो तबला गाड़ी चलाई आराम से। Hey guys, आज हम लोग जा रहे हैं बाइक राइडिंग करने, तो दी पीछे है और मैं अपने दोस्त के साथ हूँ आगे बाइक में, तो वो पीछे आ रही है। घर बैठे बैठे बहुत बोरिंग हो रहा था तो हम लोग सोचा थोड़ा बाहर घूमने चले, थोड़ा फन करें, तो इसीलिए हम लोग बाहर निकले आज। भिडियो गर्नु यहाँ वाइफाई कनेक्ट गर्नु। यो गर्नु, यो कस्तो दामी सिन न। ए भिडियो हुँदै रहेछ त, यहीँ पर डेटिङ गर्ने आँटे अहिले त पुरा गुना गुना किन्द। विनीतका यो फेभरेट प्लेस है। हाँ, विनीत सुन्दर सुन्दर गर्लफ्रेन्ड के साथ आता है यहाँ पे, लेकिन एक ही गर्लफ्रेंड के साथ आता है, इतना सारा के साथ नहीं आता, एक ही साथ आता है, लेकिन बहुत अच्छा जगह है। दिखे ही नहीं दे रहा है मुझे। देख सकते योगो कितने सुंदर है। दो मैं देखती हूँ, ये तो सुबह सुबह अंधी हो गई हूँ, अब तो मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं ये कितना मजे से उड़ रहा है। आशे बने दिनो। हाँ आशे बनो ना। वाह कितना अच्छा दिख रहा है, आपका हार्ट अच्छा नहीं दिख रहा है। छोड़ दीजिए आपका। हाँ तल को चुच्चो बढ़ो ना, हाथ लाइ तल को आउल लाइ चुच्चो बढ़ो ना, देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। चल मेरी घोड़ी टुक टुक टुक। मोटे ले जाए ऐसे जगह हमारे को डंग सकते। स्टोरी कहाँ थी हम लोग, बिनी कहाँ पर थे हम लोग, बिनी हाँ इतनी अच्छी जगह पे आए, तो मैंने बोला ये बिनीत का डेटिंग स्पॉट है ना। बिनीत डेटिंग स्पॉट नहीं है, कोई खास बात है यहाँ पर तेरा? खास बात ये है कि दोस्तों के साथ हैंग आउट करने आता है। पबजी तो यहाँ पर खेल नहीं सकता है, तो हैंग आउट क्या करता है? हैंग आउट मतलब खेलना घूमना, माइंड फ्रेश करना आता है। अच्छा ये जगह है माइंड फ्रेश करने के लिए ना, इसीलिए मेरे प्रिय सब्सक्राइबर लोग सुन लीजिए, दिस इज द प्लेस फॉर रिलैक्स योर माइंड।
लो कहाँ पर बैठेगा बोल, कहाँ बसा किधर बैठेगा वो, कॉर्नर में चले जाएगा। यहाँ पर कहीं शीतलता नहीं मिलेगी रे, यहाँ पर शीतल है लेकिन। चलो यहाँ पे बैठते हैं हम लोग, वो तो हो गई ना। तो आप हम लोग यहाँ पे आ गए थोड़ा चाय कॉफी खाने के लिए। यहाँ पे विनीत दिखाई दे रहा, विनीत हाय बोल, हाय बोल, हाय क्या बोलना है तुझे, क्या बोलना है बोल, जो हम लोग को बहुत जानने का मन है तेरे मुंह से, देख सुनने का मन है, बोला लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हाँ बोल दो, बोल दो, लाइक करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और शेयर कर दो आप लोग सभी हमारी दीदी बहनी के लिए। हमें दीदी पहले रिलैक्स हो जा रहा उसके आराम, ठीक है ठीक है, तब उनको चलो विनीत को थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम देते हैं, तब तक विनीत को थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम चाहिए। ल अब हामी गुल्मा ढाबाबाट निस्केको, यो फ्यामिली रेस्टुरेन्ट हो, अब खाएर चाहिँ अब हामी निस्केको घरको। लु अब हामी घर आइपुग्यौँ र अब हामी ब्लग यहीँ लियो, अब हम लोग घर आ चुके हैं और अब हम लोग यहीं पर अपना ब्लग को खत्म करते। बहुत मजा आया आज का दिन, बहुत फन था, होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Please like, subscribe and share. Let's be nice.